मंगल मैत्री, आप सभी को कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना कार्य अच्छी भली प्रकार से कर रहे होंगे। तो बेटा, सभी काम अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते चलें, उसको याद करते चलें, ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज के हमारे प्रकरण का नाम है विलोम शब्द, जिसे संस्कृत में वी पर्याय कहते हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। संस्कृत में हम इन्हें क्या कहते हैं? वी पर्याय। वी पर्याय यानी उल्टा अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं। आपने हमेशा पढ़े होंगे, ये व्याकरण में हमेशा ही आते हैं विलोम शब्द। बड़े आसान होते हैं, जैसे दिन, दिन का उल्टा क्या हुआ? रात। सुबह का शाम, आज का कल, राजा का रानी, भाई का बहन, ऐसे जो अर्थ आ रहे हैं, उल्टा जो अर्थ दे रहे हैं शब्द, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आज मैं आपको इसका थोड़ा सा अभ्यास कार्य भेज रही हूँ, और जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, आप विलोम शब्द हिंदी की हिंदी का जो आपका हिंदी में जो आपका काम होगा उसमें भी करेंगे, यानी जो विलोम शब्द प्रकरण आएगा आगे, वो आप हिंदी में भी इसी से कर लेंगे। ठीक है, समझ तो आई गया होगा आपको। यानी ये दोनों भाषाओं में आएंगे विलोम शब्द, हिंदी में भी आएंगे और संस्कृत भाषा में भी आएंगे। तो समझ गए होंगे आप विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। तो यही संस्कृत में है और यही हिंदी में है, दोनों में उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, उसको विपर्याय कहते हैं। केवल अंतर क्या है, वहाँ हम हिंदी भाषा में लिखते हैं और वहाँ हम संस्कृत भाषा में लिखते हैं, यानी हिंदी भाषा में हिंदी में लिखते हैं और संस्कृत भाषा में संस्कृत में लिखते हैं। केवल अंतर इतना है, बल्कि बाकी सब सामान्य है। तो बेटा, मैं आज आपको ये संस्कृत में भेज रही हूँ प्रकरण, लेकिन जब हम हिंदी भाषा में इसको लिखेंगे तो जैसे ये है अंत, तो इसका क्या हो जाएगा? बही। और संस्कृत में क्या है? अंतः और बही। ठीक है, अग्नि जलम, और हिंदी में क्या होगा? अग्नि जल। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों भाषाओं में विलोम शब्द आते हैं, विपर्याय आते हैं। आशा करती हूँ आपको आज समझ आ गए होंगे ये। धन्यवाद।